हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हों। आज मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस, जो कि मैं बनाने वाली हूँ रिबन से, जो कि बालों में चोटी में बांधा जाता है रिबन, उस रिबन से मैं बनाने वाली हूँ। और 5-6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का रिबन। आप जो भी कलर अच्छा लगे आपको वो यूज़ कर सकते हैं। और जिसकी चौड़ाई है 1.5, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और देखिए लंबाई मैंने ली है 35 इंच। 35 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ पर हम 35 इंच का एक रिबन ले लेंगे। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे दो पट्टियाँ और ली हैं रिबन की, उनकी लंबाई है 10 इंच। 10 इंच की हमने दो पट्टियाँ ली हैं, तो 10 इंच की आपको दो पट्टियाँ ले लेनी है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी और ली है जिसकी लंबाई है 9.5 इंच, 9.5 इंच। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पट्टी और जिसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच। तो इस तरह की पट्टियाँ हम लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इस वाली पट्टी को, घेर की पट्टी हम सबसे पहले ले लेंगे, बाकी पट्टियाँ हम साइड में रख देते हैं। देखिए इस पट्टी को लेंगे और हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये सिल्वर कलर की लेस। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, बट ये ब्लैक कलर पे सिल्वर कलर बहुत अच्छा लगेगा, गोल्डन कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर सिल्वर कलर की लेस यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों किनारों पर इस तरह से लेस को स्टिच कर लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी। उसके बाद देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए इस तरीके से हमने दोनों तरफ लेस रख ली है। और ये जो ड्रेस मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें आपको लड्डू गोपाल को नेफी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, नेफी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसी में नेफी उनको पहना सकते हैं। किस तरीके से पहनाएंगे मैं लास्ट में इसको आपको बता दूंगी किस तरीके से पहनाना है। देखिए इस तरीके से हम लैस रख लेंगे। उसके बाद देखिए किस तरीके से हम लैस रखेंगे, तो इस लैस को मैं थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड कर लूँगी इधर से, और इसको किनारे पर आपको इस साइड में रखना है, बिल्कुल किनारे किनारे पर रखना है, जिससे हमारी चौड़ाई थोड़ी, हमारी रिबन की चौड़ाई वो बढ़ जाएगी। तो इसको हम किनारे किनारे पर लास्ट तक रख लेंगे, स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने जो लेस स्टिच कर ली है, तो हमारी लेस की चौड़ाई काफ़ी बढ़ गई है। देखिए मैं बता देती हूँ हमारी लेस की चौड़ाई कितनी हो गई है, ये देखिए 2 हमारी लेस की चौड़ाई हो गई है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सेलिंग का काम करते हैं, ड्रेस सेल करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी हैं, ये देखिए इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे। और लगभग ये प्लेट्स हमने 7 इंच के अंदर, 7 इंच के अंदर अंदर हमने ये प्लेट्स को कंप्लीट कर लेना है। जितनी घनी आप से ये प्लेट्स बन जाएं, उतनी घनी आप इन प्लेट्स को, जितना भी हमारे पास घेर है इसके अंदर 7 इंच के अंदर हम उसे सारी प्लेट्स को स्टिच कर लेंगे। देखिए 7 इंच के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमारे पास जो दो पट्टियाँ थी, हमने दोनों पट्टियाँ एक साथ ली थी, अब हम उनको लेंगे। और देखिए इस तरीके से हम इन्हें फोल्ड करेंगे आधा आधा, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से लेकर और ये जो फोल्ड किया हुआ है इसे, इसको भी कवर करना है, और इस पट्टी को हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये वाला हिस्सा भी जो हमने फोल्ड किया है वो इसके नीचे आ जाना चाहिए, जिससे ये सिलाई से निकले ना, इसके ऊपर पट्टी आनी चाहिए और थोड़ा सा हिस्सा हमारा ये नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों पट जो रिबिन्स हैं उन दोनों पर ये लेस स्टिच कर देना है। स्टिचिंग हमने इस साइड भी करना है और इस साइड भी करना है। देखिए दोनों पट्टियों पर हमने लेस रख ली है, तो कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। इसको हमने एक ही पोजीशन में कर लेना है,
चाहे तो आप इस तरीके से कर लें या फिर दोनों साइड्स इस साइड को आप पलट दें। मैं इस तरीके से कर रही हूँ। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक के ऊपर एक रखेंगे और लगभग 5.5 इंच तक यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। 5.5 इंच लगभग, देखिए यहाँ तक लगभग सिलाई 5.5 इंच तक आपको स्टिच कर देना है। देखिए 5.5 इंच तक मैंने स्टिच कर दिया। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये वाला जो उल्टा एरिया है हमारा बैक साइड, इसमें हम इसको पहले हम बैक साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पर हमारा इसका मिडिल आ रहा है, वहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे कि यहाँ पर हमारा इसका मिडिल आ रहा है। जो बीच वाला हिस्सा है और इस लेस का बीच वाला हिस्सा है, इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से और इस तरह से हम बीच वाला हिस्सा इस वाले मार्क पर रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। इसको हम सीधा करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगी ड्रेस। अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ से हम ये वाली लेस लेंगे और हम इसमें नेफा रखेंगे। नेफा हम सिर्फ लेस से रख रहे हैं तो आप इस तरीके से नेफा रख सकते हैं। लगभग यहाँ पर 4 इंच के लगभग आप ये जो है लेस वो छोड़ दें और इसको इस तरह से डबल कर लें। डबल करने के बाद किनारे किनारे पर आप आधा आधा लेस, हाफ हाफ इस तरह से आप यहाँ पर लेस स्टिच कर दें और इस साइड में भी आप इतना ही लेस छोड़ दें जितना कि आपने यहाँ पर छोड़ा है। देखिए इस तरह से हमारी ये जो है उनकी घेर और चोली हमारी नेफी ड्रेस के साथ तैयार हो गई है। अब हम इनका मुकुट बनाएंगे। तो मुकुट बनाने के लिए देखिए क्या करना है, इस तरीके से जिस तरीके से हमने इन पट्टियों को फोल्ड किया है उसी तरीके से हमने ये पट्टी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये लैस रखेंगे। जिस तरीके से हमने ये लैस रखी है उसी तरीके से हम ये पट्टी पर लैस रख लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने लैस रख ली है। लैस रखने के बाद इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। आप चाहे तो ये वाला इससे नीचे भी रख सकते हैं ऐसे। देखिए इस तरह से हमने इसको पकड़ना है, जहाँ पर ये स्टिच आ रही है वहाँ पर हमने स्टिच करना है और बैक साइड में इस तरह से ले जाते हुए शेप देते हुए कि आपका ये कहाँ पर फिक्स बैठ रहा है वहाँ पर स्टिच कर देना है। देखिए यहाँ पर बन गई है कैप। कैप बनाने के बाद जो इस कपड़ा हमने यहाँ पर लिया था सबसे छोटा जो कलगी के लिए था, तो हमने यहाँ पर रिबन रख लिया। जिस तरीके से हमने यहाँ पर रिबन रखी है वहीं पर हम इसी तरीके से हमने ये लेस यहाँ पर रख लिया है रिबन के ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी छोटी यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे और हम ये कलंगी इनकी तैयार करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है। देखिए इतनी छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है, टोटल इसकी हम पूरी प्लेट्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कलगी इनकी बना लेनी है और सुई धागे की मदद से इसको यहाँ स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद आप इसको कहीं भी सेट कर दें। यहाँ सेट करने के बाद इसको इस तरीके से खोल दें। तो इस तरीके से हमारी तैयार हो जाएगी पगड़ी। आप चाहें इसमें और भी कलगी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर मुकुट बना लिया है, कलगी मैंने लगा लिया। बैक साइड में देखिए मैंने एक जो है टाका यहाँ लगाया है, एक टाका मैंने इस कलगी पर लगा और एक टाका इधर की साइड लगा। आप अच्छे से यहाँ पर 2-3 टाके लगा दें जिससे ये फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो जाता है लड्डू गोपाल जी का मुकुट और ये हो जाता है पूरी ड्रेस रेडी। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल और औरों को भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।